नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। देश में CAA लागू, मोदी सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। आगामी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार ने देश में नागरिकता संशोधन कानून CAA को लागू करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसी के साथ देश में अब CAA लागू हो गया है। CAA के अमल में आ जाने के बाद अब बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश करने वाले हिंदुओं, जैनों, ईसाइयों, सिखों, बौद्धों और पारसियों को यहां 5 साल तक निवास करने के बाद भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। बता दें, CAA को दिसंबर 2019 में पारित किया गया था और बाद में इसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई थी, लेकिन इसके खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। यह कानून अब तक लागू नहीं हो सका था क्योंकि इसको अमल में लाने के लिए नियमों को अधिसूचित किया जाना बाकी था। वहीं राज्यसभा द्वारा 11 दिसंबर 2019 को CAA पारित करने के बाद राज्य में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ था, जिसमें आंदोलनकारियों की सुरक्षा बलों के साथ तीखी झड़प भी हुई थी, जिससे प्रशासन को कई कस्बों और शहरों में कर्फ्यू लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। हेमंत सोरेन एक और मुश्किल में, CJM कोर्ट ने जारी किया समन। रांची के CJM के मिश्रा की अदालत ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उपस्थिति के लिए समन जारी किया है। ईडी ने हेमंत सोरेन द्वारा समन का पालन नहीं करने पर अदालत में शिकायत वाद दर्ज कराई है, जिस पर अदालत ने 4 मार्च को संज्ञान लिया था। इसी के तहत अदालत में उपस्थित को लेकर हेमंत सोरेन को समन जारी किया गया है। अदालत ने उनकी उपस्थिति के लिए 3 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है। बता दें कि ईडी की ओर से 19 फरवरी को शिकायतवाद दाखिल किया गया था। यह शिकायतवाद भादवे की धारा 174 एवं PMLA एक्ट 63 में दाखिल की गई थी, लेकिन अदालत ने सिर्फ भादवे की धारा 174 के तहत ही संज्ञान लिया है। CM चंपई ने छात्रों को दिया तोहफा, मिलेगा 15 लाख तक का शिक्षा लोन। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने छात्रों के लिए 3 योजनाओं का शुभारंभ किया है। इसमें गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मानकी मुंडा छात्रवृत्ति और मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना शामिल है। इस दौरान CM ने कहा है कि युवा पीढ़ी के लिए महत्वपूर्ण योजना शुरू की जा रही है। झारखंड विकास की श्रेणी से नीचे है। यहाँ के आदिवासी, मूलवासी और गरीब विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई होती थी। इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार ऐसा प्रयास शुरू किया है। जब तक इस प्रदेश के किसान और मजदूर के बच्चों को उच्च शिक्षा नहीं मिलती है, तब तक राज्य में विकास की मुख्य धारा में नहीं जुड़ सकता। उन्होंने कहा है कि विद्यार्थी मैट्रिक पास करने के बाद इस योजना से जुड़कर उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। मैट्रिक पास होने के बाद छात्रों के मन में डॉक्टर, इंजीनियर और लॉ पढ़ने की सोच होती है। इसी सोच को पूरा करने के लिए यह योजना लाई गई है। छत्तीसगढ़ CM ने झारखंड में भाजपा कार्यकर्ताओं को दिया जीत गारंटी का मंत्र। दुमका में कन्वेंशन सेंटर में सोमवार को दुमका लोकसभा के बूथ स्तरीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय कहा है कि एक एक बूथ पर बढ़त से ही जीत की गारंटी तय होगी, इसलिए भाजपा के कार्यकर्ता एक एक बूथ को सशक्त बनाए और जीत के लिए 100% मतदाताओं को बूथ पर लाए। उन्होंने कहा है कि एक बूथ एवं पन्ना प्रमुख बूथों के मतदाताओं की संख्या के आधार पर आपस में बंटवारा कर एक एक मतदाता तक अपनी पहुंच बनाए। सरफराज अहमद और प्रदीप वर्मा का झारखंड से निर्विरोध चुना जाना तय। राज्यसभा चुनाव के लिए इंडिया के साझा उम्मीदवार झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के नेता डॉक्टर सरफराज अहमद और NDA के साझा उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर प्रदीप वर्मा का चुना जाना लगभग तय हो गया है। बता दें, डॉक्टर सरफराज अहमद गांडे से झामुमो के पूर्व विधायक हैं, तो वहीं डॉक्टर प्रदीप वर्मा झारखंड भाजपा के प्रदेश महामंत्री। इन दोनों नेताओं का राज्यसभा के लिए चुना जाना लगभग तय हो गया है। 14 मार्च को राज्यसभा चुनाव के लिए नाम वापसी की अंतिम तारीख है। इसके बाद चुनाव आयोग इसकी आधिकारिक घोषणा कर देगा। PM मोदी आज करेंगे रांची बनारस वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार की सुबह 9 बजे रांची बनारस वंदे भारत ट्रेन का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। रांची से यह ट्रेन सुबह 5:10 पर खुलेगी और दोपहर 1 बजे बनारस पहुंचेगी। वहीं बनारस से ट्रेन शाम 4:05 पर खुलेगी और रांची रात 11:55 पर पहुंचेगी। रांची से बनारस का सफर 7:50 का होगा। यह ट्रेन नियमित रूप से 18 मार्च से चलेगी। सप्ताह में एक दिन गुरुवार को ट्रेन का परिचालन नहीं होगा। वहीं प्रधानमंत्री मंगलवार को रांची रेल मंडल के 10 नवनिर्मित स्टेशनों का भी ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे।
प्रधानमंत्री हटिया बंडा मुंडा 168 किलोमीटर दोहरीकरण कार्य का भी उद्घाटन करेंगे। झारखंड में 16 से बारिश के आसार, मौसम का मिजाज बदलना शुरू हो गया है। धीरे धीरे मौसम गर्म होने लगा है। सोमवार को राज्य के सभी जिलों का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से पार रहा। राजधानी का अधिकतम तापमान पिछले कुछ दिनों से 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच चल रहा था, यह भी 31 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया। राज्य के कई जिलों का अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है। वहीं मौसम केंद्र का अनुमान है कि 16 और 17 मार्च को राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। इससे पूर्व 13 मार्च से आकाश में बादल आ सकता है। बादल आने के बाद अधिकतम तापमान में थोड़ी गिरावट का अनुमान है। वहीं न्यूनतम तापमान थोड़ा चढ़ सकता है। झारखंड में मीट चिकन दुकानों की जांच के लिए अभियान चलाए झारखंड हाईकोर्ट। झारखंड हाईकोर्ट ने राजधानी सहित पूरे राज्य में दुकानों में खुलेआम कट रहे बकरे व मुर्गे की बिक्री के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद व जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार व रांची नगर निगम को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। खंडपीठ ने अंतरिम आदेश पारित कर राज्य के उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों व स्थानीय नगर निकायों को निर्देश दिया है कि 2 सप्ताह के अंदर मीट चिकन की दुकानों की जांच के लिए अभियान चलाए जाए। बिना लाइसेंस की दुकान चलाने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। अवैध रूप से जानवरों के काटे जाने तथा सड़क के किनारे दुकानों में जानवर के शवों के प्रदर्शन पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। साथ ही खंडपीठ ने राज्य सरकार व रांची नगर निगम से पूछा है कि मांस की दुकानों में जानवरों के शवों को काले शीशे के अंदर व पर्दे से ढके जाने को लेकर जो रेगुलेशन है उसे लागू करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है, विस्तृत जवाब दायर करने का निर्देश दिया गया है। गर्मी में पीने के पानी की समस्या से कैसे लड़ेंगे झारखंड हाईकोर्ट। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में नदियों व जल स्रोतों के अतिक्रमण तथा साफ सफाई को लेकर स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की है। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान पक्ष सुनने के बाद राज्य सरकार व रांची नगर निगम से जानना चाहा है कि गर्मी में पेयजल की समस्या से कैसे लड़ेंगे। बता दें, रांची में आबादी बढ़ रही है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों का निर्माण हो रहा है, लेकिन पानी की समस्या बनी रहती है। गर्मी में समस्या और विकराल हो जाती है। इससे निपटने के लिए भविष्य का क्या प्लान है? भविष्य में रांची में पेयजल का संकट नहीं आए, इसके लिए सरकार व निगम की क्या योजना है? कांकेर डैम, गेतलसुत डैम व हटिया डैम का कैचमेंट एरिया व जल ग्रहण क्षमता की स्थिति क्या है? इन डैमों का सैटेलाइट मैपिंग का काम कब तक पूरा होगा? खंडपीठ ने राज्य सरकार व रांची नगर निगम को फ्यूचर प्लान पेश करने का निर्देश दिया है। बाबा मंदिर में 25 मार्च की रात को हरिहर मिलन। इस साल 24 एवं 25 मार्च को होली का त्यौहार मनाया जाएगा। अब 12 दिन शेष बचे हैं, ऐसे में बाबा मंदिर की होली परंपरा के अनुसार होगी। 24 मार्च रविवार को हरि यानी भगवान विष्णु तथा हर यानी महादेव का मिलन कराकर बाबा नगरी में बाबा भोलेनाथ का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। मान्यता है कि इस दिन फागुन मास पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के द्वारा महादेव की शिवलिंग को जमीन पर रख शिवलिंग की स्थापना की गई थी। इसी दिन मंदिर प्रबंधन की ओर से हरिहर मिलन का बाबा भोलेनाथ का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। धनबाद में 54 लाख की कफ सिरप जब्त। गुजरात पुलिस द्वारा प्रतिबंधित दवा लदे ट्रक की जब्ती मामले में मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में सोमवार को झारखंड के धनबाद जिले के भेला टांड बरोड़वा स्थित गोदाम का ताला तोड़ा गया। गुजरात पुलिस की टीम के आवेदन पर वीरेंद्र कुमार विश्वकर्मा को बतौर मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था। साथ में औषधि निरीक्षक रंजीत चौधरी, थाना प्रभारी सुनील कुमार रवि व घनश्याम कुमार भी थे। गोदाम के अंदर बड़ी मात्रा में कफ सिरप की सीसी देखकर अधिकारी दंग रह गए। बरामद कफ सिरप की 26,000 सीसी का बाजार मूल्य 54 लाख रुपए बताया जाता है। 23 मार्च तक पोषण पखवाड़ा गढ़वा डीसी ने वाहन किया रवाना। महिला एवं बाल विकास परियोजना विभाग की ओर से पोषण अभियान चलाया जा रहा है। उपायुक्त शेखर जमुआर ने प्रचार वाहन को समानालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के नेतृत्व में सभी परियोजनाओं के महिला पर्यवेक्षकों और सेविकाओं ने रैली निकाली है। मौके पर पोषण शपथ भी दिलाई गई। पोषण अभियान योजना के तहत 9 मार्च से 23 मार्च तक पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। पोषण पखवाड़ा के दौरान राज्य स्तर से आंगनबाड़ी केंद्रों तक विभिन्न गतिविधियों का आयोजन निर्धारित थीम के अनुसार किया जाएगा।
जयराम महतो ने कहा, एक बार मौका दे बदल देंगे झारखंड। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो ने सोमवार को जन आशीर्वाद यात्रा के तहत कसमार प्रखंड के हिसीम, मुरहुल, सुंदी, सिंहपुर, खैरा चातर, बगदा, टांगटोन, दुर्गापुर पंचायत में नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। इस दौरान सिंहपुर स्थित शिवालय में मत्था टेक क्षेत्र की खुशहाली व अमन चैन की मनोकामना की है। खुद्दी बेड़ा हिसीम चौक में विनोद बिहारी महतो की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। जन आशीर्वाद यात्रा को संबोधित करते हुए जयराम महतो ने कहा कि एक बार मौका दीजिए, झारखंड का परिदृश्य बदल देंगे। उन्होंने स्थानीय नौजवानों को अपने हक के लिए आंदोलन करने व लड़ने की बात कही है। उन्होंने कहा कि गिरिडीह के वर्तमान सांसद सीपी चौधरी ने स्थानीय लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया। उन्हें यहाँ के बेरोजगारों की चिंता नहीं है, उन्हें सिर्फ अपने परिवार की रोजगार कैसे मिले सिर्फ उसकी चिंता है। रांची में माहौल बिगाड़ने की कोशिश, तीन मंदिरों की मूर्तियां तोड़ी। रांची के बुढ़मू क्षेत्र में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए अज्ञात असामाजिक तत्वों ने तीन मंदिरों में मूर्तियां को तोड़ दिया है। घटना रविवार देर रात की है। सोमवार सुबह जब स्थानीय लोगों को घटना की जानकारी लगने के बाद से माहौल गर्म हो रहा है। मौके पर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। घटना के विरोध में लोग चक्का जाम कर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्षेत्र के सांसद और विधायक भी पहुंचे हैं। जानकारी के मुताबिक बुढ़मू थाना क्षेत्र के उमेडंडा स्थित प्रसिद्ध प्राचीन आस्था एवं भक्ति के स्थल पर जब सोमवार सुबह श्रद्धालु मंदिर में पूजा करने पहुंचे तब देखा कि शिव मंदिर के शिवलिंग, नंदी, बजरंगबली की मूर्ति एवं भागवती मंदिर में पिंडी एवं भागवती त्रिशूल को अज्ञात अपराधियों ने खंडित किया है। बड़गाई की 8.5 एकड़ जमीन कैसे हेमंत सोरेन की JMM। झामुमो ने बड़गाई अंचल की 8.5 एकड़ जमीन का मुद्दा एक बार फिर उठाते हुए ईडी से सवाल किया है कि यह जमीन कैसे हेमंत सोरेन के नाम से है, ईडी प्रमाण दे। झामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने सोमवार को प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जमीन से संबंधित कागजात भी जारी किया है। उन्होंने बताया है कि ईडी का पूरा खेल झारखंड के जल जंगल जमीन पर कब्जा करने के लिए है, जिसे हेमंत सोरेन ने रोकना चाहा तो उन्हें जेल में डाल दिया गया। श्री भट्टाचार्य ने कहा है कि जिस भुईहरी जमीन को सामने लाया गया, दरअसल वह राजकुमार पाहन की जमीन है। वर्तमान में भी वह जमीन श्री पाहन के पास ही है। 2015 में उन्होंने 8.5 एकड़ जमीन हिलायरिस कक्षा के नाम से रजिस्टर्ड डीज के माध्यम से लीज पर दिया था। हिलायरिस कक्षप ने इस जमीन को खेती के लिए लिया था। झारखंड के 11,374 विद्यालय नहीं भेज रहे MDM रिपोर्ट। झारखंड के 11,374 विद्यालय मध्याह्न भोजन योजना की रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। स्कूलों को मध्याह्न भोजन खाने वाले बच्चों की जानकारी प्रतिदिन देनी है। इसे लेकर झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकार ने सभी जिलों को पत्र भेजा है। जिलों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि राज्य के 35,315 विद्यालय में से औसतन प्रतिदिन 23,941 विद्यालय ही रिपोर्ट भेज रहे हैं। ऐसे में राज्य के कुल विद्यालय के 68% स्कूल ही रिपोर्ट भेज रहे हैं। स्कूलों को प्रतिदिन SMS से माध्यम से भोजन खाने वाले बच्चों की जानकारी देनी है। इसके तहत विद्यालय में मध्याह्न भोजन खाने वाले बच्चों की संख्या के साथ साथ खर्च की भी जानकारी देनी है। झारखंड के युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रही राज्य सरकार। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि JSSC की परीक्षा में 35 से 50 लाख तक में प्रश्न पत्र बेचा जा रहा है। यह सरकार सिर्फ बच्चों नौजवानों का भविष्य ही नहीं बल्कि झारखंड के भविष्य को भी बर्बाद करने में लगी है। उन्होंने कहा है कि पहले भी ऐसी कई परीक्षाओं में गड़बड़ी सामने आई थी लेकिन हेमंत सरकार मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन छात्रों ने जब सड़क पर उतर कर विरोध किया तो सरकार को स्वीकार करना पड़ा। आज झारखंड में जिनकी सरकार है उस पार्टी के लोग पार्टी की नीतियों एवं कार्य संस्कृति से क्षुब्ध होकर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। एक ओर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2027 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने को लेकर कृत संकल्पित हैं, तो वहीं दूसरी ओर अन्य दलों की कोई विचारधारा नहीं है। न्यूज एंकर सुधीर चौधरी को सुप्रीम कोर्ट से राहत। सुप्रीम कोर्ट से टीवी न्यूज एंकर सुधीर चौधरी को बड़ी राहत मिल गई है। झारखंड में न्यूज एंकर सुधीर चौधरी के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। अब देश की सबसे बड़ी अदालत ने सुधीर चौधरी को गिरफ्तारी से राहत दे दी है। सुधीर चौधरी के खिलाफ राष्ट्रीय आदिवासी संघ से जुड़े युवाओं ने शिकायत दर्ज कराई थी। सुधीर चौधरी पर आदिवासियों के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया था। कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था की खामियों को तुरंत करे दूर DGP। कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था की खामियों को तुरंत दूर करने का DGP अजय कुमार सिंह ने निर्देश दिया है। DGP ने सोमवार को यह बात समीक्षा बैठक के दौरान कही है।
झारखंड पुलिस मुख्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सभी न्यायालय परिसरों, न्यायाधीशों और उनके आवासीय कॉलोनियों की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए समीक्षा बैठक की गई। बैठक में डीजीपी ने सभी जोनल आईजी, रेंज के डीआईजी, एसएसपी, एसपी से उनके क्षेत्राधीन न्यायालय परिसर, माननीय न्यायाधीशों और उनके आवासीय कॉलोनियों की सुरक्षा बढ़ाने पर विस्तृत चर्चा की, साथ ही सुरक्षा व्यवस्था की खामियों को अविलंब दूर करने का निर्देश दिया है। झारखंड में निवेश के साथ रोजगार बढ़ाएंगे रामेश्वर उरांव। झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा है कि सन 2029-30 तक 10 लाख करोड़ का डीजीपी तैयार करेंगे। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार राज्य के विकास पर पर्याप्त पैसा खर्च कर रही है, आने वाले समय में इस पर और अधिक व्यय करेंगे। बता दें, उन्होंने कहा है कि झारखंड का डीजीपी 4 लाख करोड़ का है। विशेषज्ञों की राय लेने के बाद पता चला है कि अपेक्षित लक्ष्य के लिए 14% की दर से इसे बढ़ाना होगा। हम उस पर काम कर रहे हैं। वित्त मंत्री श्री उरांव ने कहा है कि पहले हम रेवेन्यू बढ़ाएंगे, ऐसा हुआ तभी खर्च बढ़ा पाएंगे। हम कमर्शियल टैक्स, जीएसटी, फॉरेस्ट रॉयल्टी, कोयले से रॉयल्टी पर ध्यान दे रहे हैं। हमारे पास काफ़ी स्कोप है और आगे बढ़ने का। उन्होंने कहा है कि हमारे पास जितनी माइंस है उससे कम उड़ीसा में है, मगर उसका रेवेन्यू काफ़ी अधिक है। धन्यवाद।